दुपट्टा जल गया। तुम्हें भी आग लग सकती थी, पता है ना तुम्हें? क्या जरूरत थी ऐसे आने की? तुम ठीक हो ना? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? बताओ ना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, लगा तो नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। ऐसे सुपर वुमन बनने की क्या जरूरत थी? आग में आने की क्या जरूरत थी? कुछ भी हो सकता था। सही कह रहे राजवीर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वापस से सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाता, और क्या। अरे पर परिधि, तुम जेल से कब निकली? जेल से कहीं भाग कर तो नहीं आई? नहीं, वो एक्सीडेंट मुझसे हुआ था, लेकिन मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ मैंने उसे हॉस्पिटल में भेजा, उसका इलाज करवाया, इसीलिए मेरी बेल हुई है, इसलिए मैं बाहर हूँ। थैंक गॉड, इस बार कोई तो नया बहाना लेकर आई हो, नहीं तो मुझे तो लगा था वापस तुम्हारा वही चालू हो जाएगा। मेरे अंदर एक साया आ गया था, उस साये ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया था, वही तो गाड़ी चला था और एक्सीडेंट भी उसने किया था। और फाइनली ये बात तुमने पुलिस वालों को बताई और पुलिस वालों को ये भरोसा हो गया कि हाँ, एक्सीडेंट तो साई ने किया था, तुम तो बेकसूर हो। तो परिधि, आप जाओ, जो भी हुआ उस पे मिट्टी डालो। परिधि देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें इस घर में तुम्हारे कपड़े जल गए, जाओ जाके चेंज कर लो, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। कमाल, राजवीर। राजीव, वकील साहब आए, परिधि की जमानत के पेपर्स पर तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। ठीक है चाचा जी, आप चलिए, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाओ नीचे। देखो, ड्राइवर से कहना कि गाड़ी आराम से चलाए। वो क्या है ना, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारा छोटा सा बेबी है, या कहूँ तो हमारी फैमिली है। एक बार तुम हॉस्पिटल पहुँच जाओ तो मेरी डॉक्टर से बात करवा देना, ठीक है? बात करवा देना। क्या क्या करना पड़ता है इस चिल्लर पार्टी के लिए। ओह, आ गई तुम, ये लो। मुझे नहीं चाहिए पैसे। तो क्या चाहिए? राजवीर, उस परिधि ने पता नहीं उसके ऊपर क्या जादू करके रखा है, मेरी तरफ देखता तक नहीं है वो। अरे ऐसा क्या है उसके अंदर जो मुझ में नहीं है? बहना, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हें सच्ची मुच्ची वाला प्यार हो गया है राजवीर से? शट अप कबीर, प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उसे हासिल करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। गुड, मुझे भी यही चाहिए, मैं भी थक गया हूँ ये छोटी मोटी चोरी कर करके। लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम राजवीर का हाथ थामोगी। अच्छा? हाँ, जब तुम उससे शादी करोगी तब। कैसे? तुम ही आइडिया दे दो ना, वो मेरी तरफ देखता तक नहीं है, कैसे करूँ उससे शादी? जता के, अपना प्यार जता के उसे यकीन दिला दो कि तुम उसी के लिए बनी हो, उसके लिए जियो मरो जो चाहे वो करो, तब देखो, देखना फिर राजवीर कैसे परिधि को अपनी जिंदगी में से निकाल देता है, तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है। तो तुम ही कोई आइडिया क्यों कबीर, मैं तुमसे। हाँ 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 बेबी, सब ठीक है ना? ओके ओके ओके, या परी, मुझे अभी बताओ ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ राजवीर, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुम्हारे ऊपर बहुत सीरियस चार्ज लगा है, वो आदमी मर गया है। मुझे सच सच बताओ कि तुमने सच में उस आदमी का एक्सीडेंट किया था या नहीं। कोई फायदा नहीं है ना तुम्हें ये सब बताने का, क्योंकि तुम तो मेरी बात पर यकीन करोगे ही नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि ये लड़ाई मुझे अकेली को ही लड़ने दो और मैं लड़ लूंगी। अकेली लड़ोगी? मेरे होते हुए अकेली लड़ोगी?
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम जानते हो पूरा परिवार पिस रहा है इसमें, पूरा परिवार तुमसे नफरत करने लगा है और हर रोज ये बात मुझे काटती है। मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है, तुम सच जानना चाहते हो? हाँ बताओ। ठीक है तो फिर सुनो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि जो मैं कहूंगी तुम मेरी बात पर यकीन करोगे और जो मैं तुमसे करने को कहूंगी तुम वही करोगे। अरे तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि हो क्या रहा है। राजवीर ये तब की बात है जब सौदामिनी और मौंजुलिका ने तुम्हें उस गुफा में कैद कर लिया था और मैं अरहान के साथ चली गई थी, क्योंकि अरहान ने मेरे साथ शर्त रखी थी कि अगर तुम्हारी जान बचानी है तो मुझे उसके साथ जाना होगा। और जब मैं वहां से वापस आई मुझे तुम लोगों से पता चला कि 6 महीने बीत चुके हैं, मुझे खुद नहीं पता था। तुम राजवीर को नहीं बचाओगे? बचाऊंगा, पर एक शर्त। पर एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? राजवीर को बचाने के बाद तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा। अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना राजवीर? अब तो तुम जानते हो ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छिपाई है राजवीर। नहीं, मैं नहीं यकीन कर सकता इन सब बातों पे। मुझे नहीं है विश्वास। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं ये भूत प्रेत काली दुनिया के ऊपर विश्वास करूंगा? बकवास है ये सब। ये तुम कह रहे हो? तुम तो देख सकते थे ना उन आत्माओं को, तुम तो लड़े भी थे ना उन आत्माओं से। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जब मैंने उन आत्माओं को खत्म कर दिया था तो वापस कैसे आ सकती है? सुदामिनी को मैंने मार दिया था। इतनी सारी एबनॉर्मल चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा तुम्हारी बातों पर। परी, तुमने कुछ दिन पहले टिप्सी पर भभूत फेंकी थी राइट? तब तुमने क्या कहा था कि सौदामिनी जिंदा है। अब तुम कह रही हो कि कोई पुराना दुश्मन है जिसने सौदामिनी से हाथ मिला लिया है, जो तुम्हें अपनी काली दुनिया में ले भी गया था जहां से तुम बच के निकला है। सब मैं कैसे मान लूं परी, कैसे? आई एम सॉरी, मैं नहीं मान सकता इन चीजों में। मैं जानती थी कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। तुम जानते हो वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारा इल्जाम मैंने अपने सिर ले लिया था। कहां थे तुम उस वक्त, कुछ याद है तुम्हें? मैं सो रहा था और जहां पर सोया था वहीं पर उठा था। अब मैं नींद में तो ऐसा हादसा नहीं कर सकता ना। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ राजवीर। तुम मुझे कुछ नहीं समझना। अगर तुम ये समझाना चाहती हो तो मैं नहीं समझना चाहता, क्योंकि मैं जो देखता हूँ वही मानता हूँ। तुम्हारी बातों पर ना मुझे इतना सा भी यकीन नहीं रहा। तुम कहानियां बनाती हो अपने आपको निर्दोष साबित करने के लिए। ये सब कहानियां तो बना रही हो। जो कुछ भी चल रहा है ना परी, ये और कुछ नहीं है, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, समझी तुम?